ये तो तय है कि पिछले कई महीनों से ना तो आप कहीं घूमने निकले होंगे और ना ही आपके बच्चे। कोरोना महामारी ने लगभग हर किसी को घर में बांध के रख दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब लोग घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में आपका बच्चा जिद कर रहा है कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं, और आप भी दूर नहीं जा सकते हैं तो दिल्ली में कुछ ऐसी शानदार जगह है जहां बच्चों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां घूमने के बाद बच्चे खुशी से झूम उठेंगे। तो आइए जानते हैं। लगभग 10 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में मौजूद ये म्यूजियम बच्चों के साथ घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ भारत की लगभग 163 साल पुरानी रेलवे विरासत को संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। हालांकि सोमवार को बंद रहता है। यहाँ वयस्क पर्यटक ₹50 और बच्चे ₹10 का टिकट लेकर घूम सकते हैं। अगर आपके बच्चे पशु पक्षियों को कुछ अधिक ही पसंद करते हैं तो दिल्ली के ओखला में मौजूद ओखला पक्षी अभयारण्य घूमने के लिए बेस्ट स्थल है। यहाँ लगभग 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का बसेरा है जिन्हें बच्चे देखकर खुशी से झूम उठेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच ₹30 का टिकट लेकर कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दिल्ली की ये वो जगह है जहाँ हर साल दिल्ली स्कूल के लाखों बच्चे शिक्षक के साथ घूमने के लिए आते हैं। साल 1956 में स्थापित इस भवन को उद्देश्य छोटे बच्चों की रचनात्मक क्षमता को वृद्धि करना है। भवन परिसर में बच्चों के लिए राइड्स को एंजॉय करने के साथ कई खेल का भी आयोजन होता है। यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। टिकट का दाम महज ₹5 है। दिल्ली में बच्चों के साथ एडवेंचर गेम्स का मजा लेना है तो एडवेंचर आइलैंड एक बेस्ट जगह है। ये जगह दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में एक प्रसिद्ध जगह है। यहाँ सुबह 10 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं। हालांकि एडवेंचर आइलैंड में मस्ती करने के लिए आपको तकरीबन 500 के आसपास का टिकट लेना होता है। बच्चे कुछ पसंद करें या ना करें, जब सामने डॉल दिखाई दे तो उसे देखने के और लेने के लिए कूद पड़ते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय डॉल म्यूजियम में जाने के बाद बच्चे कुछ खुशी से नाच उठेंगे क्योंकि इस परिसर में एशियाई देशों से एकत्रित की गई डॉल मौजूद हैं जिसे देखने के बाद बच्चे दिन भर यहीं रुकना चाहेंगे।